नमस्कार दोस्तों। दोस्तों फिल्म की कहानी 1954 में घटित होती है, यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान। फिल्म की शुरुआत जिस शॉट से होती है उसमें अमेरिकी फेडरल मार्शल टेडी डेनियल्स और उसका सहयोगी चक को एक जगह से शटर आइलैंड नामक द्वीप पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां टेडी समुद्री बुखार के कारण बाथरूम में उल्टी कर रहा होता है। जब वह जहाज के डेक पर आता है तो वह चक से मिलता है। यह उसकी चक से पहली मुलाकात होती है। वह उस जहाज पर कैसे चढ़े और पहले उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, इसके बारे में फिल्म कुछ नहीं बताती है, जिसका एक कारण है जो हम आपको मूवी के बाद में बताएंगे। वे शटर आइलैंड पर एशक्लिफ अस्पताल में जा रहे हैं, जहां आपराधिक रूप से पागल मानसिक रोगियों को रखा जाता है। उनका काम है वहां से एक महिला रोगी रेचल सोलांडो के अचानक गायब हो जाने की पड़ताल करना। यह रोगी अपने तालाबंद कमरे से रहस्यमय रूप से ऐसे गायब हो गई जैसे कि कोई चीज हवा हो जाती है। इस अस्पताल के प्रमुख मनोचिकित्सक डॉक्टर जॉन कॉली बताते हैं कि रेचल ने अपने 3 बच्चों को डुबा कर मार दिया था, लेकिन उसे लगता है कि उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। वह इस अस्पताल को भी अस्पताल नहीं बल्कि अपना घर और अस्पताल के कर्मचारियों को अखबार वाला, दूध वाला आदि समझती है। यह पूरा द्वीप ऊंची और बीहड़ चट्टानों से घिरा हुआ है और आसपास का समुद्र बेहद आक्रामक है। डॉक्टर कॉली दोनों पुलिस वालों को बताते हैं कि रेचल को पूरे द्वीप के चप्पे चप्पे पर ढूंढ लिया गया है, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसी बीच मौसम खराब हो रहा है और एक भारी तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर कॉली टेड और चक की मरीजों को फाइल देखने की मांग को इनकार कर देता है और कहता है कि इसके लिए उसे अस्पताल के निदेशक मंडल से बात करनी होगी। बाद में निदेशक मंडल भी टेड और चक की इन मांगों को नहीं मानता है। टेड और चक को रेचल का कमरा दिखाया जाता है, जहां टेड को एक टाइल के नीचे दबा हुआ रेचल का लिखा एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा होता है 4 का नियम क्या है, संख्या 67 कौन है। इसका अर्थ टेड और चक के समझ में नहीं आता और वे अपनी जांच आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। इसके पहले टेड डॉक्टर निरंग से मिलता है, जो कि अस्पताल में चीफ ऑफ स्टाफ है। वहां पृष्ठभूमि में 19वीं सदी के यहूदी जर्मन संगीतकार महलार का संगीत बज रहा है, जिसके संगीत को नाजी जर्मनी में प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह संगीत सुनकर टेड के दिमाग में कुछ छवियां आती है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक अमेरिकी सैनिक के तौर पर उनके अनुभवों पर आधारित थी। टेड को अंदाजा लगता है कि डॉक्टर नेरिंग जर्मन और उसे अमेरिका के ऑफिस ऑफ स्ट्रेटजी सर्विसेज ने भर्ती किया है। टेड को शक होता है कि डॉक्टर भी नाजी है। उनके बीच एक छोटी सी बहस होती है, जिसमें डॉक्टर नेरिंग मरीजों और डॉक्टरों की फाइलें टेड को दिखाने से इनकार कर देता है। इस पर टेड यह धमकी देता है कि वह केस को यहीं बंद कर उनके खिलाफ एक रिपोर्ट FBI को दे देगा और अगले दिन ही वहां से चला जाएगा। लेकिन रात में ही तूफान आ जाता है और मौसम ऐसा नहीं रह जाता कि वे शटर आइलैंड से निकल पाए। उसी रात टेड को अपनी पत्नी डोलोरेस का सपना आता है, जो घर में लगी आग में 2 वर्ष पहले मर गई थी। सपने में वह टेड को बताती है कि रेचल द्वीप पर ही है और लाइडिस भी वही है। लाइडिस वह व्यक्ति होता है जिसने उसके घर में आग लगाई थी। अगली सुबह टेड रेचल के समूह के रोगियों से पूछताछ शुरू करता है। जब चक थोड़ी देर के लिए पानी लेने जाता है तो एक सामान्य दिखने वाली महिला रोगी टेड की नोटबुक लेकर उस पर लिखती है, भाग जाओ। इसके बाद टेड अपनी साथी चक को बताता है कि एशक्लिफ पर इस केस की पड़ताल के लिए आने के पीछे एक कारण यह भी था कि वह लेडिस को ढूंढ सके। हालांकि उसका इरादा लेडिस को मारने का नहीं है, लेडिस फांसी से बच निकला था और एक साल बाद एक अखबार के जरिए टेड को पता चला था कि उसने एक बच्चों के स्कूल में आग लगा दी थी, जिसके बाद उसे एशक्लिफ में स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद वह लेडिस को मारना नहीं चाहता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले ही काफी मौतें और खून खराबा देख लिया है। टेड बताता है कि वह द्वितीय विश्व युद्ध में उन अमेरिकी सैनिकों में था जिन्होंने जर्मन में डाकुओं के यातना शिविर को मुक्त कराया था। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर रहे नाजी सैनिकों को बेवजह बहुत बुरी तरह गोलियों से मार दिया था। इस दौरान टेड ने यातना शिविर में मारे हुए हजारों लोगों की बर्फ में जमी लाशें भी देखी थी। उसने यातना शिविर के अधिकारी के बारे में भी बताया, जिसने आत्महत्या करने के लिए खुद को गोली मार ली थी, लेकिन वह मरा नहीं था। वह तड़प रहा था और रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ा रहा था ताकि अपने आप को तकलीफ से मुक्ति दिला सके, लेकिन टेड ने वह रिवॉल्वर अपने बूट से दूर खिसका दी थी, जिसके कारण वह एक घंटे तक तड़पने के बाद मरा था। इन सभी कारणों से अब वह और खून खराबा नहीं करना चाहता। उसका मकसद बस यह पता लगाना है कि एशक्लिफ में
क्या चल रहा है और उसके बाद वापस चले जाना है, क्योंकि उसे यहाँ चल रही चीजों में कुछ अजीब लग रहा है। उसने बताया कि उसे अपने एक सहकर्मी से पता चला था कि एशक्लिफ की फंडिंग हाउस ऑफ अमेरिकन एक्टिविटी कमेटी से आ रही है, जिसका काम मुख्य तौर पर कम्युनिस्ट के खिलाफ उनका उत्पीड़न करना है और उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलवाना था। टेड बताता है कि उसे एशक्लिफ का एक भूतपूर्व मरीज मिला था, जिसने उसे बताया था कि यहाँ पर मरीजों के दिमागों पर अमानवीय प्रयोग किए जा रहे हैं। इस चीज का पता लगाने के लिए वह एशक्लिफ आना चाहता था। चक ने सहमति जताई कि उस जगह कुछ गड़बड़ है, लेकिन साथ ही उसने अचरज जताया कि टेड यहाँ आना चाहता था और उसे तुरंत यहाँ एक केस पर आने का मौका भी दे दिया गया। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि उसे यहाँ साजिश के तहत लाया गया हो। दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं कि जल्द से जल्द एशक्लिफ पर चल रही गड़बड़ के बारे में सबूत जुटाकर शटर आइलैंड से निकल लिया जाए। अस्पताल वापस आने पर टेड डॉक्टर कॉली और डॉक्टर नेरिंग की मौजूदगी में चल रही निदेशक मंडल की बैठक में पहुंच जाता है, जो इस बात पर चल रही होती है कि तूफान में बिजली जाने पर रोगियों की रक्षा कैसे की जाएगी। इसमें डॉक्टर नेरिंग का रुख कठोर है और रोगियों के बारे में उसे उतनी चिंता नहीं है, जबकि डॉक्टर कॉली का दृष्टिकोण उदार और मानवतावादी है। टेड यह बात सुनता है और बताता है कि अस्पताल में कुल 66 रोगी हैं। इस पर उसे रेचल सोलांडो का नोट याद आता है, जिसमें पूछा गया था कि संख्या 67 कौन है। वह पूछता है कि रेचल के अनुसार रोगी नंबर 67 कौन था। डॉक्टर कॉली बताता है कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अब वह खुद रेचल से पूछ सकता है, क्योंकि रेचल द्वीप पर मौजूद लाइट हाउस के पास मिल गई है। रेचल से साक्षात्कार के दौरान टेड को पता चलता है कि उसे अपने खोने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे लगता है कि उसका जीवन सामान्य है। टेड अपना परिचय एक पुलिस अफसर के तौर पर करा देता है। रेचल को अचानक लगता है कि टेड उसका पति जिम है। वह उसे गले लगाती है, लेकिन जल्दी ही वह चीखने लगती है क्योंकि उसका पति मर चुका है, और पूछती है कि तुम कौन हो। इस वाक्य से टेड परेशान हो जाता है। उसे भयंकर सिर दर्द होता है और डॉक्टर कॉली उसे एक मेडिसिन दे देते हैं और बेहोश होने की हालत में चक उसे बिस्तर पर ले जाता है। टेड फिर से सपना देखता है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची डाकाऊ में, जब वह वीरान यातना शिविर में लाशों के बीच में जा रहा होता है, उसे कहती है, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था, हम सबको बचाना चाहिए था। इसके बाद टेड को भ्रम होता है कि वह लेडीज से बात कर रहा है और फिर अपने पार्टनर चक से बात कर रहा है। इसके बाद वह देखता है कि वह रेचल के मरे हुए बच्चों को उठाकर ले जाने में उसकी मदद कर रहा है। उसे लगता है कि वह नींद से जाग गया है, लेकिन यह उसका भ्रम होता है। उसे एक और भ्रम होता है कि कमरे में उसकी पत्नी प्रवेश करती है। वह उसे बताती है कि लेडिस अभी भी द्वीप पर है और वह उसे खोजकर उसे मार डाले। टेड तूफान के कारण उठता है। कई मरीज अपने कमरों से भाग निकले हैं। टेड चक के साथ वॉटसी में जाता है, जहां सबसे खतरनाक रोगी रखे जाते हैं। वहां वह थोड़ी देर के लिए चक से पिछड़ जाता है। इस दौरान वह जॉर्ज नाइस से मिलता है, जो कि एशक्लिफ का वही भूतपूर्व मरीज है और जिसने टेड को बोस्टन में बताया होता है कि एशक्लिफ में मरीजों के दिमागों पर प्रयोग किया जा रहा है। वह फिर से एशक्लिफ में लाए जाने के लिए टेड को जिम्मेदार ठहराता है और बताता है कि वह एक साजिश का शिकार हो चुका है। वह कहता है कि उसे लेडिस को ढूंढने और सरकारी षड्यंत्र के बारे में सबूत जुटाने में से किसी एक काम को चुनना होगा, और उसकी पत्नी उसकी यादों में आकर उसे छल रही है। टेड कहता है कि उसकी पत्नी को भूल पाना उसके लिए संभव नहीं है, लेकिन वह एशक्लिफ में चल रही गड़बड़ के बारे में प्रमाण जुटाकर उसे वहां से बाहर निकलवाएगा। नॉइस उसे बताता है कि उसे डर है कि उसे लाइट हाउस में ले जाया जाएगा, जहां मरीजों के दिमाग को खोलकर उन्हें गुलाम जैसा बना दिया जाता है। उनकी लोबोटॉमी की जाती है। टेड लाइट हाउस जाने का प्रयास करता है, लेकिन बुरे मौसम के कारण नहीं जा पाता। चक को साथ ले जाने से वह इनकार कर देता है, लेकिन वहां जाने को उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। जब वह वापस आता है तो उसे चक चट्टान से नीचे गिरा हुआ दिखता है। वह नीचे पहुंचता है तो चक वहां से गायब होता है। ऊपर चढ़ने के दौरान उसे चट्टान के बीच एक गुफा मिलती है, जिसमें उसे एक औरत मिलती है, जो उसे बताती है कि वह रेचल सोलांडो है और वह एशक्लिफ में एक डॉक्टर थी। वह बताती है कि उसने अपने बच्चों का खून नहीं किया है, क्योंकि उसका कोई बच्चा ही नहीं है। उसे इसलिए पागल बनाकर फंसाया गया है क्योंकि इस हॉस्पिटल में मरीजों के दिमाग के साथ
कोई प्रयोग किया जा रहे है, और वो ये राज जानती है और बताती है कि वो लोग टेड को फंसा कर वहाँ का मरीज बनाने की साजिश कर रहे हैं, और बताती है कि एशक्लिफ में मरीजों के दिमाग पर प्रयोग करके उन्हें शीत युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले एजेंटों में तब्दील किया जा रहा है। इसके लिए हर प्रकार के विरोध को पागलपन करार दिया जा रहा है, और कहती है कि उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ा जा रहा है, हर समय कोई ना कोई आदमी उसके साथ रहता है जिससे वो यहाँ से भाग नहीं पाए। फिर वह टेड को गुफा से बाहर निकाल देती है इस डर से कि उसके कारण अस्पताल के गार्ड उसे भी ढूंढ लेंगे। इसके बाद टेड गार्डों को धोखा देने के लिए डॉक्टर कॉली की कार को आग लगाकर उड़ा देता है और लाइट हाउस में पहुंच जाता है। वहां सबसे ऊपर के कमरे में टेड को डॉक्टर कॉली मिलता है, और यहीं पर पूरे रहस्य का पर्दाफाश होता है। कॉली बताता है कि टेड कोई नहीं बल्कि उसके मन की कल्पना है, और वह स्वयं वास्तव में लेडिस है। वह एक मानसिक रोगी है जो पहले सेना में हुआ करता था, और द्वितीय विश्व युद्ध में उसने डकाऊ के यातना शिविर को मुक्त कराने के अभियान में भी भाग लिया था। उसकी ये यादें बिल्कुल सही है, लेकिन युद्ध से वापस आने के बाद वह पुलिस में नौकरी करता है। उसकी बीवी में आत्मघाती और पागलपन के रुझान होते हैं। वह स्वयं और उसके पड़ोसी इस बारे में लेडिस को आगाह भी करते हैं, लेकिन वह द्वितीय विश्व युद्ध के अपने अनुभवों के कारण स्वयं शराबी हो चुका होता है और इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन उसकी पत्नी उसके 3 बच्चों को तालाब में डुबाकर मार देती है, और यह देखकर वो अपने बच्चों को तालाब से बाहर निकालता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और उसके बच्चे मर जाते हैं, और गुस्से में आकर वो अपनी जान से प्यारी पत्नी को गोली मार देता है। इसके बाद उसे एशक्लिफ में भर्ती कर दिया जाता है। वह अपना दिमागी संतुलन खो चुका होता है। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि उसके बच्चों की उसकी पत्नी ने और उसकी पत्नी की उसने हत्या कर दी है। इस वास्तविकता से भागने के लिए वह काल्पनिक किरदार रचता है जिसमें वह टेडी डेनियल्स है और साथ ही रेचल सेल्डॉन जैसे अन्य चरित्र हैं। कम्युनिस्टों और अन्य विद्रोही के खिलाफ नाजी प्रतियोगों के बारे में उसकी सोच एक कल्पना है। डॉक्टर कॉली उससे पूछता है, तुम पिछले 2 दिनों से पूरे द्वीप पर घूम रहे हो, कहाँ है तुम्हारे नाजी प्रयोग? और हमें पता चलता है कि चकी डॉक्टर शीहेन है, जो लेडीज के साथ सिर्फ इसलिए था जिससे वो खुद को हानि ना पहुंचा सके और इस आइलैंड से ना भाग सके। वह बताता है कि डॉक्टर शीहेन, जिसे पहले रेचल को छुट्टी पर गया चिकित्सक बताया गया होता है, वह पिछले 2 वर्षों से दवाइयों के जरिए यह प्रयास कर रहे थे कि वह अपनी फैंटेसी से बाहर आकर सच्चाई को स्वीकार कर ले। लेकिन ऐसा ना होने पर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने तय किया कि लेडिस को उसकी फैंटेसी में जीने दिया जाए। अंत में वह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां फैंटेसी में जी पाना संभव नहीं होगा, और अतः वह अंतिम तौर पर असलियत को स्वीकार कर लेगा, और इस बार वह वापस अपनी फैंटेसी की दुनिया में नहीं जाएगा। वह बताता है कि 4 का नियम और कुछ नहीं बल्कि 4 शख्सों के नाम है, जिनमें से 2 असली है और 2 उसके दिमाग की पैदावार है। 2 असली नामों में सोलांडो और टेडी वास्तव में डोलोरेस और लेडिस के ही नाम है, जिसे बदलकर उसने 2 नए नामों वाले चरित्र बना दिए हैं। डॉक्टर कॉली लेडिस को उसके मरे हुए बच्चों की तस्वीर दिखाता है। वह बताता है कि अगर उसके इलाज में यह नई तकनीक विफल रहा तो उन्हें उनकी लेबोटॉमी करनी पड़ेगी। लेबोटॉमी मस्तिष्क शल्य क्रिया करके रोगी को स्थिर बना देता है। स्थिर बना देने करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। डॉक्टर कॉली और डॉक्टर शीहेन इस रास्ते के विरोधी हैं, जबकि डॉक्टर नेरिंग इस रास्ते के समर्थक हैं। चक यहीं पर प्रकट होता है और बताता है कि वही डॉक्टर शीहेन है। फिर दोनों डॉक्टर मिलकर लेडिस को वास्तविकता के बारे में बताते हैं। पहले लेडिस इनकार करता है, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में डॉक्टर कॉली द्वारा बताई गई घटनाएं एक फिल्म की तरह चलती है, और उसे याद आता है कि वह वाकई लेडिस है। वह गिर जाता है। अगले दृश्य में डॉक्टर कॉली उसे पूछते हैं कि वह कौन है। वह मानता है कि वह लेडिस है, और उसने टेडी डेनियल्स को केंद्र में रखकर एक पूरी फैंटेसी रची थी ताकि उसे यथार्थ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अपने बच्चों की मौत के लिए वह अपने आप को जिम्मेदार मानता है। डॉक्टर कॉली कहते हैं कि उन्हें डर है कि वह फिर से अपनी फैंटेसी की दुनिया में ना पहुंच जाए। अगले दृश्य में लेडिस अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा है, और वह फिर से अपनी फैंटेसी की दुनिया में पहुंच चुका है। उसके बगल में डॉक्टर शीहेन बैठा होता है, जो कि एक बार फिर से अपने चक के किरदार को निभा रहा होता है।
लैडिस कहता है कि वह इस द्वीप से जाना चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है कि इस द्वीप पर क्या चल रहा है। इस पर चक, डॉक्टर शीहैन, डॉक्टर कॉली, डॉक्टर नैरिंग की ओर इशारा करके बताते हैं कि मरीज फिर से अपनी फैंटेसी में जा चुका है। डॉक्टर कॉली डॉक्टर नैरिंग से निराशपूर्ण तरीके से इशारा करके लेबोटॉमी करने को कहते हैं और चला जाता है। डॉक्टर नैरिंग गार्ड के साथ टेड और चक के पास आता है। टेड चक से कहता है, इस जगह को देखकर मैं सोचता हूँ कि क्या ज्यादा बुरा है, एक दरिंदे की तरह जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना। उसके बाद वह गार्ड के साथ उठकर चला जाता है। यह इस तरफ इशारा था कि उसे लेबोटॉमी के लिए ले जाया जा रहा है। उसके बाद अंतिम दृश्य में लाइट हाउस को दिखाया जाता है और यह क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही अलग है, इसलिए अगर आप यह मानकर चलें कि इस फिल्म में जो कहानी पेश की गई है वह एकदम सीधी और स्पष्ट है, आपको यह मानना पड़ेगा लियोनार्डो डिकैप्रियो का चरित्र वास्तव में एक पागल है, यानी कि वह लेडिस है ना कि टेड। टेड वास्तव में लेडिस द्वारा रची गई फैंटेसी का चरित्र है जो कि उसने इसलिए रचा है कि उसे अपने जीवन के कड़वे सच का सामना ना करना पड़े। आखिरी दृश्य में वास्तव में लेडिस दरअसल अपनी फैंटेसी की दुनिया में नहीं गया है और वह जानता है कि डॉक्टर कॉली और डॉक्टर नैरिंग उसे दूर से देख रहे हैं। वह जानबूझकर अपने फिर से बीमार होने का नाटक करता है ताकि उसे लेबोटोमाइज कर दिया जाए। इसका कारण ये है कि आखिर तौर पर सच को स्वीकार करने के बाद उसकी तकलीफ इतनी ज्यादा है कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उसको पता है जब भी टेड गार्ड के पास होता है तो वे बहुत चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि डॉक्टर कॉली की योजना के अनुसार एक नाटक चल रहा है जिसमें लेडिस टेड बना हुआ है। लेकिन वह यह भी जानते हैं कि लेडिस एक खतरनाक पागल है जो पहले भी गार्ड पर हमला कर चुका है, इसलिए वे इस नाटक को लेकर बहुत उत्साहित नहीं होते हैं। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 है और 8 करोड़ डॉलर में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।